नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की चर्चाएं तेज, जिसे लेकर विपक्ष में कोहराम मच गया। अब इसी बीच समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा बर्क ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि यूसीसी लागू करने से देश के हालात और खराब होंगे। देश के हालात अच्छे पैदा करने की बजाय खराब करने की कोशिश की जा रही। इस तरह के मसले छेड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। इस समय वैसे ही पूरी मुसलमान कौम परेशान है और दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं। उन सबको भी एक कानून मानने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी पाबंदी लगाने से पूरे देश को नुकसान होगा। दूसरे धर्म के लोग भी इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ है। इसे राजनीति में क्यों लाया जा रहा है, इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बर्क ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है और सरकार को सिर्फ 2024 का चुनाव ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे ये लोग उछाल रहे हैं, जिससे देश की तरक्की का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसे लागू ना करें। इसके लागू करने से देश के हालात और खराब होंगे। वहीं राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले पर बर्क ने कहा कि चाहे मणिपुर की घटना हो या राजस्थान की घटना, बेटियां किसी की भी हो, वो हमारी बेटी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो या दलित और आदिवासी की बेटी हो या किसी गरीब की बेटी हो, वो सब हमारी बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना बहुत शर्मनाक है। किसी भी धर्म की बेटी के साथ इस तरह की घटना होना हिंदुस्तान और इंसानियत के खिलाफ है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। ये इंसानियत की बर्बादी है। इस तरह की घटनाओं की पूरी दुनिया ने निंदा की। बर्क ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ये समझती है कि वो जीत जाएगी, वो बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। इस तरह की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जुबान खोलनी चाहिए, उन्हें इस पर बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे। सपा सांसद ने कहा कि ये सब घटनाएं बीजेपी की हार का सबक बनेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान की शान के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी को ही घेरता है। राजस्थान में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई, लेकिन फिर भी शफीकुर रहमान बर्क ने एक भी सवाल कांग्रेस पर या गहलोत सरकार पर नहीं उठाई, बल्कि वो बीजेपी और पीएम मोदी पर ही हमलावर रहे। साथ ही उन्होंने यूसीसी पर लागू नहीं करने की बातें भी कही। बता दें कि बर्क हमेशा ही विवादित बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसे में अब उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बर्क साहब को देश के हित में हो रहा अच्छा काम भी बुरा लगता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।